नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने किया लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा अग्निपथ योजना वापस लेने के लिए कांग्रेस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना शहीद जनरल विपिन रावत के विचारों का अपमान है और कांग्रेस पार्टी युवाओं से अपील करना चाहती है कि युवा किसी प्रकार का गलत कदम ना उठाए, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताएं। खबर बुलंदशहर से है, जहां के कस्बा औरंगाबाद में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की पंचायत हुई, जिसमें भाकियू टिकैत को छोड़कर अपने साथ सैकड़ों किसानों को लेकर आए। इस दौरान सुनील लोधी को भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के जिलाध्यक्ष बुलंदशहर के पद पर मनोनीत किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री व नगर अध्यक्ष और सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित है। इस दौरान किसानों के ट्यूबवेलों पर लगाई जा रही मीटरों का विरोध किया गया था। साथ ही अग्निपथ योजना आदि समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। और बुलंदशहर से है, जहां अहमदगढ़ पुलिस ने अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं को चौपाल लगाकर योजना के प्रति जागरूक किया। गांव गांव में थाना अध्यक्ष ने चौपाल लगाकर युवाओं को अग्निपथ योजना को लेकर टिप्स दिए, तो वहीं बीएसएनएल एडवाइजर ने गांव के युवाओं को अग्निपथ योजना को लेकर अच्छे ढंग से समझाया और कहा कि विपक्ष पार्टी युवाओं को भड़का कर दंगा फसाद करा रही है, युवाओं को गलत रास्ते की ओर भटका रही है। ये तो विपक्ष है, ये तो जो है तरह तरह के मुद्दे हैं। जब अच्छे क्रांतिकारी जो भी जो जनकल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनके लिए भी ये तो हो हल्ला काटते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अगर सरकार की जो जनकल्याणकारी और क्रांतिकारी योजना है कि उनको भी लेकर के हल्ला काटने के लिए बैठ जाते हैं, और ये इस समय जो है बौखलाहट में है और इनका जो है इनके पास कोई मुद्दा ठोस नहीं होता है, तो इसीलिए जो जनकल्याणकारी योजना होती है उससे भी ये बच्चों के जो बच्चों का ब्रेन जो कोरे कागज की तरह है उस पर गलत छाप छोड़ते हैं और राष्ट्र की संपत्ति को हानि कराने के लिए बच्चों को आगे ले आते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो बेवजह की बातें उठाते हैं और करते हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां आजमगढ़ व रामपुर में हुए उपचुनाव में सपा की हार के बाद जिले की समाजवादी पार्टी की पूर्व नेत्री रुबीना खानम का बड़ा बयान सामने आया है। रुबीना खानम ने योगी सरकार का समर्थन करते समाजवादी पार्टी पर तंज कसे और कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक वर्ग विशेष की बात करना बंद कर दे। आगे उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनाते हैं आपको। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है उसने अखिलेश यादव का घमंड तोड़ दिया है। सपा के गढ़ में सपा की हुई हार ने अखिलेश यादव जी को यह बता दिया है कि जो इस देश की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो सब समुदायों की बात करेगा, जो सबका साथ सबके विकास की बात करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। और अखिलेश यादव जी, अभी भी समय है, एक समुदाय की बात करना छोड़ दीजिए, एक वर्ग विशेष की बात करना छोड़ दीजिए, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में जनता ने खबर फरीदाबाद से है, जहां नगर परिषद के चुनाव में पलवल और होडल के जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ धन्यवाद करने फरीदाबाद पहुंचे, जहां ढोल नगाड़े की थाप पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का जोरदार स्वागत किया गया। वही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार और उनके साथ आई 36 बिरादरी का स्वागत किया और कहा कि यह विकास की जीत है। और आगे केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को मिलने वाला पूरा पैसा उनके खाते में जा रहा है, जबकि कांग्रेस की सरकार में लाभार्थियों को दिए जाने वाला पैसा 15% ही उनके पास पहुंचता था। भारतीय जनता पार्टी को नगर परिषद पलवल में जो ऐतिहासिक जीत मिली है, इस जीत को जो उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार आज अपने बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करने भारतीय जनता पार्टी पलवल की पूरी समस्त टीम आज मंत्री जी के कार्यालय पर पहुंची है। इस केवल होडल नगर परिषद से जो मेरी मैसेज चेयरमैन बनी है उसके लिए सब लोग हमारे 21 वार्डों के लोग आए हैं, 36 बिरादरी के लोग आए हैं, केवल इसलिए आए हैं केवल विकास के लिए, जो हमारी नगर परिषद में 1 रुपये नहीं है, पैसे नहीं है, उसके लिए विकास के लिए मंत्री जी के पास आए 21 वार्डों के लोग। आप बीजेपी में थे, आपकी टिकट मिलने वाली थी, टिकट भी कट गई थी, उसके बाद भी आप चुनाव लड़े, क्या कहेंगे? केवल विकास के लिए चुनाव लड़े, 36 बिरादरियों ने पंचायत जोड़ के चुनाव लड़ाया और उसका जो नतीजा है वे आपके सामने।
खबर अलीगढ़ से, जहां सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला कारागार में नशे की आजादी पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कारागार में बंदियों द्वारा नए जोश और ऊर्जा के साथ नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ से एक रैली निकाली गई। इस दौरान बंदियों द्वारा नशा मुक्ति एक उससे होने वाले बर्बादी के संबंध में एक नाटक प्रस्तुत किया गया। तो वहीं इस दौरान अपने संबोधन में जेलर ने कहा कि नशा करने वाला व्यक्ति सदैव मुरझाया हुआ होता है। खबर अलीगढ़ से है, जहां एमयू के कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा को लेकर बाहरी जिलों से आए छात्र व उनके परिजनों की सेवा में एमयू के छात्र व बाहरी सामाजिक संस्थाओं द्वारा जगह जगह कैंप आयोजित किए गए, जिसमें एमयू छात्रों सहित जिले की प्रमुख सामाजिक संस्थाओं ने भी भाग लिया, जिनमें छात्रों उनके परिजनों को पानी, शरबत व मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस दौरान बाहर से आए लोग एमयू छात्रों का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। शोध संस्था बरसों से मानवीय क्षेत्र में काम कर रही है और हर साल जब भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जहाँ से लोग बाहर से विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स आते हैं, तो उनकी सहायता के लिए उनको रास्ता बताना, उनको गाइड करना, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की व्यवस्था करना, ये सब लोग करते रहते हैं। और इस साल सबसे पहला एंट्रेंस है, बड़ा एंट्रेंस जो कैंपस में हो रहा है, तो हमने यहाँ कोशिश की है कि लोगों को ठंडे पानी की व्यवस्था कर सकें, जो लेट हो गए उनको समय पर सेंटर पहुँचा सकें, सही रास्ता बता सकें। तो इस मकसद से हमने क्या किया, लोगों का किस तरीके से दिख रहा पानी, लोगों का रिस्पांस ये है कि इससे पहले भी वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं, घूमे, इस तरह की व्यवस्था उनको कहीं और नहीं मिली है, तो इस बात को काफ़ी सराहा जा रहा है। सिर्फ सोच ही नहीं बल्कि और भी संस्थानों ने जगह जगह पे इस तरह के पानी पिलाने का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, तो लोगों को ये जो हो रहा है बहुत पसंद आ रहा है कि इस तरह का और भी जगह भी होना चाहिए। प्रोग्राम 9 क्लास का एंट्रेंस आज एमयू में, तो उसी मौके पर साइंटिफिक रिसर्च अकेडमी की जानिब से प्रोग्राम रखा गया है, शरबत और पानी की व्यवस्था की गई है, परिवार के लोग आए हुए हैं बच्चों के साथ को साथ में लेकर, और काफ़ी भीड़ आप देख ही रहे हैं। अब शॉप वगैरह का लोगों को पता नहीं है कि कहाँ है, और 20 रुपए की बोतल आती है, वैसे भी कहाँ बार बार जाएंगे लोग लेने के लिए, तो उसी को देखते हुए हमने गर्मी को देखते हुए, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए इंतज़ाम किया गया है साइंटिफिक रिसर्च अकेडमी की जानिब से। खबर अररिया से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 50,000 के इनामी को आयाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो कि फर्जी आईडी बनाकर तो वही गिरफ्तार करने वाली टीम को उचित इनाम देने की घोषणा की गई। अररिया पुलिस द्वारा और थाना आयाना की पुलिस द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 24 साल के बाद एक वांछित अपराधी जिसका नाम छेदा सिंह उर्फ छिद्दा पुत्र रजब सिंह है, जो पिछले 24 वर्षों से हमारे जनपद से वांछित चल रहे थे, जिनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और जिनके ऊपर लगभग 24 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनको थाना आयाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छेदा सिंह उर्फ छिद्दा पिछले कई वर्षों से अपना नाम बदल कर चित्रकूट जनपद में ब्रजमोहन दास के नाम से बाबा के भेष में रह रहे थे। इनके पास से फर्जी पैन कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरहिया के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन इलाके में अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन कर एकनाथ शिंदे का कड़ा विरोध किया है। शिवसेना प्रमुख एवं मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा, जिसको लेकर जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरहिया ने कहा कि मुरादाबाद के शिव सैनिक तन मन धन से आपके साथ है और मरते दम तक साथ रहेंगे। पार्टी के विधायक एकनाथ शिंदे का कड़ा विरोध करते हुए सभी शिव सैनिक माननीय उद्धव जी के साथ हैं, और माननीय उद्धव जी जो भी संघर्ष करेंगे उसमें साथ रहेंगे, और मातोश्री एवं शिवसेना से जो भी आदेश मुरादाबाद के शिव सैनिकों का होगा, मुरादाबाद के शिव सैनिक उसका अक्षरंक पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, और तन बंधन से मुरादाबाद के शिव सैनिक माननीय उद्धव जी के साथ हैं, शिवसेना के साथ।
गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड चर्चा में बनी हुई है, जहां इंद्रापुरम थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गाड़ी सवार लड़कों को आतिशबाजी करने का वीडियो सामने आया है। दरअसल मार्च 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था। इतना रुपए खर्च होने के बावजूद एलिवेटेड रोड पर सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगाए गए हैं। स्टंटबाज इसका खूब फायदा उठाते हैं। इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया। कुल मिलाकर इस वीडियो से एक बात स्पष्ट हो गई है कि स्टंटबाजों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। खबर गोंडा से है, जो स्थानीय तहसील क्षेत्र के विकासखंड ग्राम पंचायत पहाड़पुर निवासी समाज सेवी ने गांव में साफ सफाई न होने से जगह जगह गंदगी होने से मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की। अजय श्रीवास्तव द्वारा की गई शिकायत में कहा गया कि ग्राम पंचायत पहाड़पुर में साफ सफाई न होने से जगह जगह गंदगी फैली हुई है और गंदगी से बीमारी फैलने का अंदेशा है, जिसको लेकर अधिकारी पर प्रदर्शन का विश्वास है। मेरा नाम अजय श्रीवास्तव है। ग्राम पंचायत पहाड़ापुर में हमारे कोई सफाई कर्मी नहीं है। जब भी नालियाँ भर जाती है तो अपने आप साफ करना पड़ता है, कोई भी साफ सफाई करने यहाँ पर नहीं आता है। विभाग के अधिकारियों से हमने इसकी शिकायत की, लेकिन कोई भी इसको संज्ञान में नहीं लेता है। बहुत बड़ी समस्या है, जल भराव की समस्या गाँव में हो जाती है। खबर सुल्तानपुर से, जहां ग्रामीणों की सक्रियता से गोवंशों से लदा ट्रक बरामद हुआ है। मौका देखते ही ट्रक चालक फरार हो गया। बता दें ट्रक में लदे सभी गोवंशों की मौत हो चुकी थी, जिसके आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतक गोवंशों को गड्ढा खोदकर दफनवा दिया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई। सुबह एक सूचना मिली स्थानीय लोगों के माध्यम से कि एक कंटेनर जिसका नंबर HR55S5086 है, उसमें कुछ गोवंश लदे हुए हैं और वहाँ पे खड़ा हुआ है। इसी सूचना पर स्थानीय थाना कोतवाली देहात पुलिस पहुँची और उनको कब्जे में लिया। जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जा रही है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और जो विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। इनकी गिरफ्तारी एवं अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो सुनिश्चित कराई जाएगी। कुछ मृत अवस्था में पाए गए हैं, तो उनकी जो PM की कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित कराई जा रही है और जो अभियोग बन रहा है वो उसको अभियोग पंजीकृत कराकर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। खबर गाजियाबाद से, जहां रील्स बनाने के चक्कर में और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ताजा वीडियो थाना कौशाम्बी का है, जहां स्टंट करते 9 युवा का वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जिसमें एक व्यक्ति टाटा सफारी कार के शीशे से बाहर निकलकर रील बना रहा है। तो वहीं कार के पीछे चल रही दूसरी कार में एक अन्य व्यक्ति उसके वीडियो बनाता साफ देखा जा सकता है। अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह के वीडियो बनाया जा रहा है, जो पुलिस को चुनौती भी देते नजर आ रहे हैं। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ऐसे स्टंट बाजों के खिलाफ किस तरह से ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा उत्तर प्रदेश के जिले के सभी शराब के ठेके सुबह 10 बजे से 5 बजे तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है, जहां जिस पूरी तरह से पालन किया गया और ड्राई डे मनाया गया। वहीं गाजियाबाद के सभी जगह मॉडल शॉप पर शराब के ठेके पूरी तरीके से बंद दिखाई दिए। खबर हरदोई से है, जहां रेलवे ट्रैक पर वेल्डिंग करते समय अचानक गैस सिलेंडर फटने से काम कर रहे चार मजदूर घायल हो गए। आनन फानन में सभी को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया, जबकि अन्य का उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बघौली बालामऊ यार्ड में रेलवे ट्रैक का वेल्डिंग का काम चल रहा था, तभी हादसा हो गया। ये जी हादसा बघौली बालामऊ यार्ड में हुआ है। एक आदमी इंजर्ड हुआ है जी। हादसा कुछ नहीं हुआ है, गैस का सिलेंडर बस्ट हो गया है और उसमें कोई मुख्य चोट नहीं आई है और उन्हें सारे प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल गए हैं और बाकी उसके लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनके। अभी CST कछोड़ा से हमारे पास चार लोग रेफर होके आए हैं, जो किसी ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के कारण को चोट आई है, जो कहीं काम कर रहे थे। इनको अपने भर्ती कर लिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति की हालत नाजुक है, जिसको
मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर कर रहे हैं। अमरीश कुमार नाम है इसका। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।